प्रेसक्रिप्शन आउ एक अध्याय को आपण समस्त स्वागत करुच्ची मुनिवेदिता। दर्शकबंधु जेकोसी रोग अच्छे मैंने तार प्रतिकार अच्छी किंतु रोग को सठिक समय जाणी बुझी सचेतन होगा जरूरी आपण को जेकोसी रोग सम्बन्धी सचेतन कराइबापे स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन। दर्शकबंधु निरापद मातृत्व एवं सुस्थ शिशुटी जन्म पाई कहार बा इच्छा न थाए किंतु असुविधा होची जे आमे केउं समय रे गर्भवती होउछंती केउं समय रे डाक्टर को परामर्श नेबा जरूरी एवं केते दिन व्यवधान रे आमे डाक्टर को परामर्श नेबा जरूरी अल्ट्रासाउंड केते बेले करिवे जदि आपण गर्भवती अछि कोन जटिलता रहिछि सावधानता कोन रहिछि ए सब जानिबा निहाती जरूरी। तेणु आज आमर जो टॉपिक अछि जे गर्भावस्था रे जटिलता पा हाई रिस्क रिस्क फैक्टर कौन रही सबको नहीं आम आज आलोचना करवा सबुदिन भाई आज आम सहित जो अभिज्ञ डाक्टर अच्छा आम सहित अच्छा स्पोर्ट्स हस्पिटाल सीनियर गायनिक तथा लैप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मृणाल कांति दास सर नमस्कार स्वागत कर सर मुझे कहती आज टॉपिक अच्छी जे बहुत महिला मैंने अच्छा जो मैंने परफेक्टली जापारती सठिक समय जापारती गर्भवती अच्छा ना ना आम आज ओवरअल सर आलोचना करवा गर्भावस्था जटिलता कौन किता पूर्व सर प्रथम प्रश्न आपन को रहा जड़े गर्भवती कमी जान प्रथम एक्जाक्टली जमी मैडम कहले मुझे डॉक्टर मृणाल कांति दास स्पर्स काम कर एंड आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट एंड गायनिक डिपार्टमेंट रे सो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्चुअली प्रेगनेंसी रिलेटेड जिनस जानिया पई एंड बहुत जन ये जानी पारंती ना जे केमती पहुंची मैडम जेमती प्रश्न करला आज मते कि केमती जानिबी एंड केते जल्दी जानी परिबो दैट इज द क्वेश्चन। सो जिनस होची आजकाली बहुत ही इजी होई जाई छी जानिया पई बिकॉज एते अवेयरनेस प्रोग्राम एते बेसी होची जे समस्त सब महिला माने जानचंती जे जदि मेंस्ट्रुअल साइकिल को आमे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जोटा वे 28 डेज टू 30 डेज रो साइकिल एंड से साइकिल जदि 3 दिन भी कि 4 दिन भी गड़ी गला देन दुकान रो फार्मेसी स्टोर रो प्रेगनेंसी किट आनी से माने यूरिन टेस्ट करके जानी परबे और एल्स सबुटु बेस्ट हबो जदि कोनसी गायनेकोलॉजिस्ट को नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट थिबे ताकू देखा परामर्श करबा कथा। ओके सर जड़े आप जमी कहते प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट मिलू जदि पीरियड्स मिस हो जड़े टेस्ट करे पॉजिट जानापर सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल से डाक्टर को परामर्श सांग सांग करवा जरूरी ना ना केस पर डॉक्टर को परामर्श दे चलो एक्चुअली डॉक्टर को परामर्श कले बहुत ही भल कहीं बहुत गुड़ा जिनस अच्छी जोटा कि मिस हो जाए डॉक्टर न देखिले एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट एंड जोटा कि पेशेंट आसती जो बहुत ही खराब अवस्था आसती हॉस्पिटल को जमती कि पीरियड मिस कला कि नहीं नेगेटिव किंतु से मैंने आउ टेस्ट जानती नहीं कि पॉजिटिव बहुत फेंट पॉजिटिव जोटा कि से जापर मैंने रिपोर्ट उपर कि नहीं पॉजिटिव अच्छी देन से एक्चुअली डॉक्टर पाखे गले से डॉक्टर गोटे ब्लड टेस्ट भी कर दैट इज सीरम बीटा ईसीजी टेस्ट व्हिच इज 100% एक्यूरेसी एक्चुअली प्रेगनेंसी अच्छी कि नहीं एंड जदि भी प्रेगनेंसी अच्छी कौटी अच्छी प्रेगनेंसी एंड केतेटा प्रेगनेंसी अच्छी सिंगल प्रेगनेंसी अच्छी कि ट्विन्स अच्छी कि ट्रिपलेट्स अच्छी से जानवा भी बहुत दरकार आमको एज अर्ली एज पॉसिबल जिते जल्दी जापर बट इनफैक्ट एक्चुअली 6 to 7 विक्स भितर गले इट इज इजीयर फॉर गायनेकोलॉजिस्ट कि से मैंने देखी से मैंने सबकि जनपर पेसेंट को। ओके सर आउ गोटे कथा जी जदि जड़े आपण को परामर्श नौ डाक्टर को परामर्श कौच सर केते दिन व्यवधान में जड़े चेकअप करवा उचित आम देखी जे 3 मंथ 6 मंथ एम थाए अल्ट्रासाउंड पीरियड तो सर केते दिन व्यवधान में डाक्टर को परामर्श ना जरूरी यूजुअली प्रेगनेंसी जिते बड़े डिटेक्ट हो जाए एंड 6 to 7 विक्स भितर गोटे अल्ट्रासाउंड हो जो अल्ट्रासाउंड आम देखे ठीक पोजिशन अच्छी कि नहीं प्रेगनेंसी कि तो हार्टबीट बेबी रो जो हार्टबीट डेवलप कला कि नहीं बिकज बेबी हार्टबीट 5 weeks प्लस रे डेवलप कर जाए से दिन टू आम देखिपर गोटे ट्रांसवर्जनल अल्ट्रासाउंड रे आम जापरू एंड से एक्चुअली मेडिसिन स्टार्ट करवा कथा एंड देन डॉक्टर जमती कहे जो जो इन्वेस्टिगेशन दरकार जितेबाला से टाइप गले भी बहुत भल ना मसकु थे एटलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप करने आसवा कथा। ओके सर जदि जो विलंब में डाक्टर परामर्श कर सर कौन सब समस्या उपजिपे जो गर्भवती महिला क्षेत्र में
हाँ जदि न करुची ठीक टाइम रे चेकअप न करुचंति आसुनांती से माने देन बहुत किसी जिनसे जमते कि फैमिली हिस्ट्री जदि डायबिटीज थिबो ताले डायबिटीज हे परे पेशेंट को जा पाए बेबी प्रीमैच्योर बेबी हे जबो जदि कारी थायराइड प्रॉब्लम थिबो जोटे कि डिटेक्ट करन थिबे ता पाए बेबी को प्रॉब्लम हे परे जदि के प्रेगनेंसी रे जदि से ब्लड प्रेशर डेवलप करला देन ऑल्सो सेटा प्रॉब्लम हे परे प्रेगनेंसी रे जटा कि बहुत सीरियस हे जंती पेशेंट सो ए सब कारण पर जदि मास्क थरे भी आसी पालन तो ताले बहुत भल हो कहीं बहुत टाइम रे स्मॉल फॉर डेड बेबी हुए छोटे छोटे बेबी भी हुए सेटा जोटा कि डॉक्टर ही धरी पारे आउ कहीं ना एंड अल्ट्रासाउंड रूटीनली जोटा कि आम फर्स्ट चेकअप रे 6 to 7 weeks रे अल्ट्रासाउंड करछु दैट इज फर्स्ट अल्ट्रासाउंड देन एबे 11 to 13 weeks जते बेले होछि सेतकी बेले गोटे एंटी स्कैन हुए जोटा कि सेटा दरकार एक्चुअली बिकॉज अर्लीएस्ट एनोमली डिटेक्ट करि पारछु आमे बेबी रो किछि हार्ट प्रॉब्लम थिबो कि स्पाइन प्रॉब्लम थिबो कि आउ को एब्सेंट थिबो लिम्ब एब्सेंट थिबो सब किछि जणा पड़छि एंटी थिकनेस रे सेटा करिया कथा देन 5 months रे एनोमली स्कैन जोटा कि टीफा स्कैन आमे कहछु 18 to 21 weeks रे करिया कथा देन एट 8 months 32 weeks रे ग्रोथ स्कैन करवा कथा देन फाइनल स्टेज रे डिलीवरी टाइम रे गोटे अल्ट्रासाउंड करवा कथा बेबी रो पोजीशन ठीक अच्छी कि नहीं पानी ठीक अच्छी कि नहीं सब ग्रोथ ठीक अच्छी ओके सर हमें कथा आगो को जने कलर जुड़े छथि सर पिपली रो संदीप बेहरा जुड़े छथि आगे स्वागत करछि आपन को कोन प्रश्न रहै छै कोन तो हेलो सुनी पर छथि ओके सर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए सर जमी आम कथा होता जमी कहले डाक्तर परामर्श ना निहांती जरूरी सर जो कहते ट्रीटमेंट कथा कहते अल्ट्रासाउंड सर सेम अल्ट्रासाउंड सहित आउ कौन कौन सब ट्रीटमेंट अच्छे जमीक आम ब्लड टेस्ट भी अच्छी सर्टेन ब्लड टेस्ट जो गुड़ाक आमको निहांती दरकार हुए जो प्रेगनेंसी टाइम जमी कंप्लीट ब्लड काउंट गोटे हुए हिमोग्लोबिन के जानपे बहुत दूर पेशेंट आसती कि ग्रामीण अंचल जो मैंने आसुंच विलेज ग्रुप रो पेशेंट से मैंने बहुत एनिमिक था प्लस बहुत जगह सिकलिंग भी हुए पेशेंट आसती बहुत जनका ब्लड रो प्रॉब्लम थाए जोटापी कनसीव भी से मैंने करती नहीं प्रेगनेंसी भी हुए ना तो जानापी से ब्लड टेस्ट गुड़ाक आमको कराया पड़े देन थायरएड टेस्ट कराया पड़ो देन ब्लड सुगर टेस्ट कराया पड़ो देन अदर थिंग्स जदि सपोज कार क्रॉनिक हाइपरटेंशन अछि तार ब्लड टेस्ट गुड़ा को किडनी अफेक्टेड थायरॉइड थाए से मानको बे टिके रिस्क थाए सर कोन वास्तविक रिस्क थाए जो मानको थायरॉइड या सुगर के ब्लड प्रेशर जदि किछ रहउ छे थायरॉइड थिले एक्चुअली बिगनिंग रो प्रॉब्लम थाए कंसीव करियर प्रॉब्लम कंसीव करले प्रॉब्लम सो कंसीव जदि करला देन वन हैज टू टेक केयर एंडोक्रिनिस्ट को हमके देखियाउ पड़े और एल्स जदि गायनेकोलॉजिस्ट जानछन से प्रेस्क्राइब करबे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करबे सर किसी इंजेक्शन थाए कि समथिंग किसी टैबलेट्स थाए टैबलेट्स ओके ओके तो सर जमति कहतले अपन जे डाक्टर को परामर्श नबा जरूरी सर हम देखि जो बहुत जन के केतरे एमती भी हेई छि जे 2-3 months परे मिसकैरेज भी सर हे जाय सर काहे कि सर मिसकैरेज होवार चांसेस को मानको केतरे अधिक देखंती मिसकैरेज रो बहुत प्रॉब्लम अछि एक्चुअली जोटा कि हम ये करू देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जोटा कि जोटा पाई मिसकैरेज वे एक होछि जेमते कि लेट प्रेगनेंसी जदि हबो अच्छा लेट एज प्रेगनेंसी दैट इज मोर देन 30 इयर्स मिसकैरेज हबो इफ अर्ली एज रे जदि हबो लेस देन 17 इयर्स रे मैरिज हला एंड प्रेगनेंसी हला मिसकैरेज हबो यूजुअली बही लखुछ फर्स्ट प्रेगनेंसी यूजुअली मिसकैरेज रे डेवलप हुए देन एनी वायरल इन्फेक्शंस जदि हेतबो ता पाई एनी मेडिकेशंस जदि नै जैतबो ता पर भी मिसकैरेजेस हम तो बहुत गुड़ा कारण अच्छे तार मिसकैरेज इट इज नॉट ओनली कि प्रेगनेंसी बट मिसकैरेज हो पाए ओके सर मैं जन जो महिला क्षेत्र में परफेक्ट एज के कहीपर माँ हाँपी कहीं देखते समस्ते चाहते म्यारेज पर आम टे ब्रेक नबू तापर टे लेट्रे छुआ देन बहुत लोग प्लां करुवे से छुआ हो बहुत डाक्तर चक्कर काटा को पड़े मेडिसीन वगैरह खावाक पड़े सर परफेक्ट एज के कहीपर यूजुअली इन द 20s और लेट 20s बेस्ट एज हूँ म्यारेज एंड द प्रेगनेंसी लेट 30s दैट इज सेटा ही प्रॉब्लम हो बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ देन जॉब सब रोच दैट इज से रीजन पर बट लेट 20s इज वेरी गुड एक्चुअली ओके सर 30 माने पूर्व 30 वर्ष पूर्व रो हे गले भलो हां अच्छा ओके सर खाद्य पेय सर आम देखुं आम लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो गला आम बाहर खाद्य को बेसी प्रिफर करें गर्भवती अच्छा से विशेषकर क्यों क्यों खाद्य खावा उचित कौ कौ खाद्य माँ और शिशुपाई उपयोगी यूजुअली आम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आम सजेस्ट करू न्यूट्रिशियस फूड एक्चुअली जमीक प्रोटीनियस होती है
एंड से जिनस एंड बाहर खाद्य को आम टे अवॉइड करूँ बिकज पेट जदि खराब है देन मेडिसिन देवा पड़े जोटा कि प्रेगनेंसी आम यूजुअली अवॉइड करूँ लॉट ऑफ मेडिसिन सो न्यूट्रिशियस फूड इज ऑलवेज दैट लाइक एवरी मु सजेस्ट करे कि यू टेक फूड स्मॉल फूड बट फ्रिक्वेंट फूडिंग यू नो फ्रिक्वेंटली नेवा पड़े एवरी टू आवर्स जोटा कि अर्ली प्रेगनेंसी गैस्ट्राइटिस हेनी कि बांति लगे नो वॉमिटिंग फिलिंगटा बेस हुए सो से रिजन पर वी एडजस्ट गुड फूड एटलिस्ट व्हाट एवर सर जमी कहते वोमिटिंग क्या कहते सर आम देखी बहुत जन बांति भी हुए एक्सेस बांति भी बहुत जन हुए सर बांतिटा मानते नर्माल ना ना मानते जो अधिका हो खराब प्रभाव पड़ पाए बांति तो दैट इज अ गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट है ना गर्भवती माने जो माने होंती आगे फर्स्ट कहते मत बांति लगुच है ना सो दैट इज अ गुड साइन बट बेसी हेले ताकू आमे कहू हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहू सी कंडीशन टा एक्चुअली हुए जते बेले बॉडी रे जो हार्मोन टा प्रेगनेंसी रे बढ़ुची सेटा अत्यधिक मात्रा रे हेगला सेटा बेसी बांति होबो सेटा एंड ताकू कंट्रोल करि करि जाहले भी अप टू 12 वीक्स बांति वे दैट इज अ पीक सर अधिक बांति हो छुआ पर प्रभाव पड़िबो कि सर एमती किछ नै देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हे जाय जोटा कि मदर को जोटा कि बेबी पे प्रॉब्लम हे पारे अदरवाइज किछ नै ओके तो सर रिक्स फैक्टर आमे कोन कहि परबा जने गर्भवती को पक्ष रे रिक्स फैक्टर माने कहि आमे जा को कि माने अधिक रिक्स अछि बोली कहि परबा जने गर्भवती को क्षेत्र रे हां यूजुअली जेमते कि लेट एज रे कंसीव कर ले देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्वड यू नो एंड तापरे जदि क्रॉनिक हाइपरटेंशन थिबो कि डायबिटीज थिबो पेशेंट रो ऑलरेडी डायबिटीज अछि शुगर लेवल हाई अछि एंड से मेडिकेशंस रो अछि एंड शी वांट्स टू कंसीव ता दैट इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड देर आर अदर डिजीजेस जोटा कि सपोज ब्लड डिजीजेस थी कि कहारी ब्रेस्ट कैंसर थी सपोज इनफैक्ट रिलेटेड डिजीज जो थी देन इट इज अ हाई रिस्क पेशेंट देन सपोज कहारी यूट्रस ट्यूमर अच्छे जोटा कि आगु डिटेक्ट है नथिबो प्रेगनेंसी आजिकाली तो नाउ वेरी स्मार्ट एक्चुअली प्री कंसेप्शनल आम मैरिज काउंसलिंग हो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जोटा कि गायनेकोलॉजिस्ट पाखे आसुचंती एंड आम डिटेक्ट कर ना शी इज ओके फॉर प्रेगनेंसी सो से करें नाउ शी इज रेडी फॉर प्रेगनेंसी बट देर आर सम कंडीशंस जोटा कि प्रेगनेंसी को आम मना करदेव कि ना डोंट ट्राए नाउ बिकज प्रॉब्लम अच्छी बोली तो आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करिवो तापर देन यू कैन गो फॉर प्रेगनेंसी सेफली सो देर आर फ्यू कंडीशंस फॉर दैट जमती कि ह्यूज ट्यूमर थी जोटा कि प्रेगनेंसी है मैंने देर इज सब बड़े चांसेस था कि से अबॉर्ट हो अर्ली प्रेगनेंसी लिवर पेन को पड़ेब कि कहारी मल्टीपल प्रेगनेंसी अच्छे देन देर इज अ चांस हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड सो दिस एंड कहारी कहारी हुए कि तीन टा चार बेबी हैला किंतु भलो शिशु जन्म नेले नहीं दे आर इन हाई रिस्क ग्रुप सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जोटे के हम हाई रिस्क से को सर निश्चित भाव में आगो कथा बा जे ट्यूमर कथा जेले आपण कहते जे रिस्क फैक्टर भीतर ये भी गोटे पार्ट तो ट्यूमर जदि जणकर होउची देन ऑपरेशन द्वारा ताको भलो करा जाय पारिबो या मेडिसिन द्वारा सर आगो कथा बा किंतु समय को छोटो ब्रेक रो कोडे जानतुनी ब्रेक पर खूब शीघ्र पहुंचो जदि आपणकर रिलेटेड कोनोसी भी प्रश्न रहिची हमको सदाशक कॉल करंतु डाक्टर सहित कथा होंतु समय को छोटो ब्रेक ब्रेक पर स्वागत दर्शक बंधु आम आज कथा होती जे प्रेगनेंसी समय रिस्क फैक्टर कौन और जदि सेमती किसी रिस्क फैक्टर रोचे तेल कौन आर ट्रीटमेंट रही और ट्यूमर को नहीं विशेषकर आम कथा आम सहित डाक्टर अच्छा आपको सदाशक कल करें डाक्टर सहित कथे सर आउ थे स्वागत करुच्चे सर जमी आम टपिक आज आलोचना कर प्रेगनेंसी समय रिस्क फैक्टर सर किसी समय पर आपको कहते हैं ट्यूमर कथ कहते सर ट्यूमर जो जनकर होता तो नर्माली जो डाक्टर परामर्श ने सब टेस्ट रू जना पड़ जाए तो सर ट्यूमर समय मैंने प्रेगनेंसी समय ट्यूमर जब बाहर ऑपरेशन द्वारा मैंने काढ़ी दिया जाए पारी ना ना मेडिसिन द्वारा से भी कंट्रोल हो पार कहीं समय नॉर्मली मेडिसिन भी बार न थाए यस सो इटा गोटे बहुत ब्रॉड क्वेश्चन एक्चुअली बिकज ट्यूमर्स तो बहुत प्रकार ट्यूमर्स अच्छी जमीक फाइब्रॉइड भी अच्छी देन ओवरीज अच्छी जोटा कि ओवरिन सिस्ट भी अच्छी तो इन जनरल ट्यूमर कह जाए बट ट्यूमर पोजिशन जब फाइब्रॉइड अच्छी इन प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड अच्छी देन आम देखू कि पोजिशन कौटी अच्छी फाइब्रॉइड पोजिशन कौन अच्छी एंड साइज अफ दि फाइब्रॉइड कौन अच्छी जदि पोजिशन थी यूट्रस बाहर ट्यूमर अच्छे देन आमको किसी प्रॉब्लम नहीं किसी प्रॉब्लम नहीं बट यूट्रस भितर जब ट्यूमर अच्छी जोटा कि
शिशु को एंड फिटस को जदि रखिया पई ताको एक्सपेंड करिया पई प्रॉब्लम होबो देन देयर इज एवरी चांसेस की प्रीमैच्योर चाइल्ड बर्थ हो जीव. सो इन दैट केस कि आगुआ जदि आमे जानि परछु ताले ताको आमे ट्रीटमेंट कर कि तापर प्रेगनेंसी पई आमे ताको सजेशंस दोचु. जदि ट्यूमर अछि आ प्रेगनेंसी अछि फाइब्रॉइड अछि देन आमे ताको किछि करिया पई नै आमे टिके ताको सिंसियरली ताको चेकअप करिवार अछि एंड देन राइट टाइम रे से टाइम रे आमे ताको डिलीवरी पई प्लान करिवार अछि. ओके सर जदि जणकर माने जेंति आपण कोथले जे ट्यूमर रही छै जदि ए रिलेटेड रही छै ताले ताको आपण सजेशन अनुसार ताको से अनुसार तंको काम करबा पड़िबो. सर आ गोटे कथा जदि आमे देखि छन बहुत जणकर विकलांग छुआ बिसा जन्म होंती सर केओ मानको क्षेत्र रे विकलांग छुआ जन्म होवार चांसेस थाए केओ कारण रो. एक्चुअली अर्ली प्रेगनेंसी रे जदे किछे के मेडिकेशंस नै जीवो जोटा कि बेबी पै प्रेगनेंसी पै प्रॉब्लम ताले भी हुए जदि कोनसी डिजीजेस हला मदर को डिजीजेस अछि एंड ता पै भी हुए. सो डिटेक्ट करिवाटा एक्चुअली सबटो इम्पोर्टेंट होची जे विकलांग छुआ को केमिति आमे डिटेक्ट करिवा. तो एबे आजकल बहुत गुडा टेस्ट हेय छै इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर एते भल हेय छै मेडिकल साइंस दैट एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ जेमते के अल्ट्रासाउंड गुटे अछि देन ब्लड टेस्ट अछि. ब्लड टेस्ट रे जेमते अर्ली प्रेगनेंसी रे ब्लड टेस्ट 11 13 वीक्स रे भी हमर डबल मार्कर ट्रिपल मार्कर क्वाड्रपल मार्कर ब्लड टेस्ट अछि सब एंड सेगड़ो कले भी हमको किछि त जाना पड़ि जाय जे एई छुआ रो एंती प्रॉब्लम हेय पारे. ओके सर आसी भी जने कॉलर कॉल कर छथि आगे स्वागत करछि आपन को प्रिस्क्रिप्शन को कन्फर्म कर छी करतो. हेलो आज्ञा आज्ञा सोडी पर आज्ञा नमस्कार के कोथले कोट कोथले हम प्रश्न कोन रहै छी कोनतो एकु हम कहतले बेले जे बिक्री खाना चंदनपुर. ओके कोनतो कोन प्रश्न रहै छी ई संतान पर जाओ. अच्छा 10 12 वर्ष हो गेलानी सर कोनसी संतान. सो नमस्कार आपन का ये क्वेश्चन को एंड आपण जदि संतान है नै ताले आपण को गायनेकोलॉजिस्ट को देखा करिया पड़बो एंड गायनेकोलॉजिस्ट को जानिबार अछि जे कोन पई होउनी. सो इन्वेस्टिगेशन्स करले बहुत गुडा इन्वेस्टिगेशन्स अछि हस्बैंड वाइफ दि जणकर करा जीवो एंड सेतिर हमको बाहर करिया पड़बे कोठी प्रॉब्लम अछि एंड से प्रॉब्लम को सॉल्व करले संतान नै जीवो. ओके निश्चित भाव रे आपण गायनेकोलॉजिस्ट को परामर्श करबा जरूरी एवं बहुत सारा टेस्ट सर थाए उभय मेल एवं फीमेल को क्षेत्र रे. सर आमे जेमते कथा होतले जे विकलांग छुआ कथा आपण कहउतले सर सर आउ कोन कंडीशन. सो अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट जो अछि से गोडा को हमको डिटेक्ट हे जाय छि एंड जेमते कि एंटी स्कैन 11 टू 13 वीक्स रे कॉल ले भी हमको जाना पड़ जाय एंड स्पाइनल डिफेक्ट जाना पड़ जाए. तो अब टीफा स्कैन जोटा कि फिफ्थ मंथ रे आम करूँ से कि ऑलमोस्ट बहुत गुड़ा एनोमलीज जो विकलांग छुआ अच्छी कि नहीं जाना पड़ जाए एंड बट किसी टाइम आजिकल रेट ऑफ दिस थिंग्स एगुल को देखा जाऊनि विशेष एक्चुअली जेहेतु आम पाखे बहुत गुड़ा ब्लड टेस्ट आसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर आसी. तो इट इज ऑलवेज दैट इज द रीजन कि गायनेकोलॉजिस्ट को देखा करिवार निहाती दरकार एक्चुअली वेरी फ्रिक्वेंटली. ओके निश्चित भाव रे. तो सर आउ गोटे कथा होची जे समस्त चाहंती हमर नॉर्मल ले छुआ जन्म हो किंतु बे किछ जणो थांती जे आमे कष्ट पाइबने हमर सीजरियन दरकार. तो सर केउ मानन को क्षेत्र रे सीजरियन बेसी चांसेस रहउची समस्त जदी अबे प्रेफर करछन जे हमर सीजरियन करन तो आमे कष्ट बिना कष्ट रे छुआ जन्म करबो. एक्जैक्टली तो बहुत गुड़ा रीजन अच्छे जोटा कि एकदम स्ट्रेट वे जोटा कि हमको प्लांड सीजरन करिया पड़े. बहुत गुड़ा एमती अच्छे जोटा कि इमरजेंसी सीजरन करिया पड़े एंड बहुत गुड़ा अच्छे जोटा कि दे फॉल इनटू कि नॉर्मल डिलीवरी हो जीवा चांसेस अच्छे. सो सीजरन जो मन को एक्चुअली करा होचे इट इज नॉट नोइंगली बट लोक भावती सेमती बट इट इज नॉट नोइंगली इट इज डन बिकॉज सब शॉर्ट हाइट बहुत ही शॉर्ट हाइट अच्छी एंड देर इज अ बिग साइज बेबी तो स्पेस कहीं जे बेबी बाहर सपोज देर इज अ प्रॉब्लम नाउ इट इज अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर दे कॉर्ड राउंड द नेक अच्छी पेशेंट डरी जाउचंती जे कॉर्ड राउंड द नेक हेले तापर बेबी किसी हे जीवो लेबर टाइम रे. सो दैट बिकम्स ए प्लांड सीजरियन अगेन. सपोज काहरे तीन चार शिशु रो डेथ हे जाई थिवो एंड दिस इज द लास्ट वन कि जोटा कि आम पाखे बहुत भल भाव बढ़ी आसी प्लांट सीजरन करार अच्छे कह रहा फर्स्ट सीजरन ताकू भी प्लांट सीजरन करार अच्छे कह डायबिटीज थी ताकू प्लांट सीजरन करवा कथा ना डेथ ऑफ द फिटस बेबी बेबी डेथ हो. सपोज कह हाइपरटेंशन अच्छे देन 14 एटलिस्ट 2 वीक्स बिफोर ताकू पड़ो प्लांट सीजरन कर दैट से ग्रुप ऑफ लेडीज जो मैंने अच्छा से आमे प्लांट वे रे सीजरन करो. ओके सर जदी
माने आपन जो डॉक्टर हिसाब रे कोन एडवाइस देबे जे सीजरन सर भलो ना नाही नॉर्मल टा भलो? नहीं नहीं, नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर एक्चुअली सब बिकॉज स्टे इन द हॉस्पिटल गोटे दिन रे भी जाई परबे घर को, देन हेल्दी बेबी विल बी देयर, इन बोथ केसेस बेबी विल बी हेल्दी, बट सीजरन केस रे कोन होची कि शी हैज टू पास बहुत गुड़ा जिनस पड़ो लाइक एनेसेसिया रिस्क अच्छी, यू नो पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क अच्छी, देन बेबी शुड बी टेकन केयर बाय पीडियाट्रिशियन से गोटे रिस्क अच्छी, यू नो सो बहुत गुड़ा रिस्क को जीवा को पड़ो सीजरन है, एंड देन और एल्स बोथ वेट केते रहबा दरकार गोटे नॉर्मल गोटे शिशु रो ओजन केते रहबा ठीक अछि नै जेंते कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मोर तो 25 इयर्स एक्सपीरियंस हे गलानी ए फील्ड रे, आई हैव डिलीवर्ड अराउंड 3.5 केजी 3.8 केजी नॉर्मल डिलीवरी आल्सो, तो तार से अधिक रहउ छि खराब कि कहर मेसा जदी तारठर अधिका रहउछि अपन को खराब किछि नै, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए हेल्दी बेबी एक्चुअली। अच्छा सर, हेल्दी मतलब आमे देखिछन जो मन को शुगर थाए छुआ माने बढी जांती नॉर्मल कोंती, दैट इज ब्लड शुगर जो माने थाए से मन को चांसेस थाए कि हेल्दी बेबी, नॉट हेल्दी बेबी बट बिग बेबी, बिग बेबी साइज मोर देन 4 4.5 5 केजीस आल्सो बेबी आसुछि। अच्छा सर, जदी डिलीवरी समय रे आमे देख नॉर्मल जे बहुत जणकर शुगर बाहरे ब्लड प्रेशर बढी जाए, तो सर जदि जणकर शुगर रहुछि बा ब्लड प्रेशर रहुछि छुआ उपरे तर प्रभाव सर रहिबो कि माने जेबे डिलीवरी परे छुआ उपरे प्रभाव रहिबो? यूजुअली नहीं, बट प्रेशर रे त किछि इफेक्ट नै दारो, बट शुगर थिला देन बिग साइज बेबी हला इमिडिएटली बेबी रो भी शुगर टेस्ट करिया को पड़िबो, बिकॉज बेबी रो शुगर जदि जन्म परे कमी गला देन बेबी रो प्रॉब्लम हि जीवो, दैट इज द जॉब ऑफ पीडियाट्रिशियन टू टेक केयर ऑफ एक्चुअली। अच्छा सर, मा रो भी कंटिन्यू रहिबो ना नाही? केवल एटा आपन पको अनेक पेशेंट आसुतिबे, तो आपन को सर अभिज्ञता अनुसार जो माने आसंती तो सर सेमानकर एटा नॉर्मल आमे कहि परबा जे प्रेगनेंसी समय रे शुगर और ब्लड प्रेशर ना नाही बहुत रेयर लोकन को ठा देखिबा को मिलो? सर एटा आफ्टर प्रेगनेंसी सर कमी जाय ना नाही पई मेडिसिन खाइबा को पड़े इंसुलिन लेबा को पड़े? सब पेशेंट रो कमे नै एक्चुअली, बहुत जमती डेलीवरी सारी गलानी ताको सल्ला पर बीपी कमी जाए नॉर्मल को पड़े आसे, बट बहुत जन का रही भी जाए, दैट इज नोन एज क्रॉनिक हाइपरटेंशन रही गला जोटा यूजुअली केबे नथिबो हाइपरटेंशन एंड प्रेगनेंसी रे हुए, दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सो जो मन का डायबिटीज नथिबो प्रेगनेंसी टाइम रे डायबिटीज होची, दैट इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज। सो यूजुअली डायबिटीज कमी भी जाए, किसी जन का रही भी जाए, लाइफ सारा रही जाऊची। अच्छा ऐसा जदि प्रेगनेंसी परे जदि रही भी जाउची सर सेतिपई मेडिसिंस खाई परबे? मेडिसिंस खाले आइछ। ओके ओके सर, आमे देख आमे एबे भी जानी छन जे जो माने गर्भवती सेवन समस्त सब बळे चाहन जे फिट रहया पई, तो बहुत जण माने बिफोर प्रेगनेंसी जो माने जिम वगैरह जानती से माने प्रेगनेंसी समय रे भी ताको कंटिन्यू करंती, सर जदि जणे एक्सरसाइज करूची जिम जाउची योगा करूची सर यारो किछ साइड इफेक्ट अछि ना नाही माने एटा आपण माने भी एडवाइस करंती जणे गर्भवती? आमे यूजुअली एडवाइस करू फिटनेस पई एक्चुअली एडवाइस करू, बट ब्रिस्क एक्सरसाइजेस जोटा कि आगु जमी करूब सपोज से मना करदे, बिकज इट शुड बी टेकन केयर ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी तो बेसि कर पार्बनी, बट इन द मिड ऑफ द प्रेगनेंसी फिटनेस जहाँ दरकार हे से कर लाइक योगा एंड ऑल इज वेरी गुड, टफ एक्सरसाइजेस शुड बी अवॉइडेड एक्चुअली, एंड लेट प्रेगनेंसी तो एक्सरसाइज आई डोंट रिकमेंड, ओनली योगा इज द बेस्ट वन। बेस्ट ओके सर, शेष प्रश्न रहा सर, जो आम देखुं बहुत जनकर प्रेगनेंसी समय मैंने वाटर लेवल कमी जाए, तो सर मैंने कहीं एमती समस्या हुए पानी सफिशियंट पीएं नहीं या सहित किसी लिंक रही ना नहीं एमती किसी न थाए? एमती किसी लिंक ना, बट न्यूट्रिशन रोल बहुत अच्छे एक्चुअली प्रेगनेंसी, एंड नॉर्मल फेनोमेना लोक बुझे ना पानी न पीले कमी जाऊँगी भावती, बट नॉर्मल फेनोमेना इज कि भितर पानी सिक्रेशन भी हम एक्सक्रेशन भी हम, दैट इज जदि एक्सक्रेशन जदि बेसी बढ़ी गला एंड सिक्रेशन बढ़ी गला एक्सक्रेशन कमी गला ताले डेफिनेटली पानी अधिका हो जीवो, नाले जदि एक्सक्रेशन जदि एब्जॉर्प्शन जदि बेसी बढ़ी गला ताले पानी कमी जीवो, सो दैट इज द नॉर्मल फेनोमेना। विपद रही छि कि? हां विपद त अछि, जदि पानी कमी गला देन डॉक्टर को देख जानिया पड़ो कमीबा पई जे माने गर्भवती अछंती से मानन को कोन करबा को? न्यूट्रिशियस फूड इज द बेस्ट आंसर। ओके सर, पानी सफिशिएंट भी दरकार, केते पानी पी पारिबे जने पर डे? 2.5-3 लीटर पानी जेमति पियंती सेमति नॉर्मल पानी, या पई जे प्रेगनेंसी रे पानी दरकार है अधिक दरकार किछि एमति किछि नै। ओके, बट रूटीनली डॉक्टर संगे परामर्श करया पड़ो, सब पर भी डॉक्टर को परामर्श लेना नै जरूरी। एग्जैक्टली, अब जेमति अपन कोले समय व्यवधान भी एग्जैक्टली माने परामर्श करबा जरूरी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपन आसीले हम सहित आलोचना करले एक आधा घंटा धरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
तेरे दर्शक बंधु आज आम कथा जे गर्भावस्था रिक्स फैक्टर कौन रही है आशा करें निश्चित भाव में आपको आज एपिसोड भल लगे कहीं अत घंटे आम अनेक गुड़े कथा पुणी देखा आगामी एपिसोड में आज जो अभिज्ञ डाक्तर से पर्यटन मत विदाय दिंतु नमस्कार।